नमस्कार, दृष्टि आईएएस के डेली करेंट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी एक खबर आई है, यूके ने क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। इसी के संदर्भ में यह खबर है, आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। यूके ने लगाया क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध। ब्रिटेन के वित्तीय नियामक फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनांसे पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिनांसे क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA ने कहा है कि बिनांसे ब्रिटेन में किसी तरह की गतिविधि को संचालित नहीं करेगा। इसके उपभोक्ताओं को प्लेटफॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की गई है। अब यह वैश्विक स्तर पर जांच के दायरे में आ रहा है। FCA ने ब्रिटेन के लोगों को आगाह भी किया है कि वह इस तरह के निवेश से बचें। FCA ने कहा है कि Binance.com जैसे प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी पर हाई रिटर्न का वादा किया जाता है, यह नियामक अनुमतियों का उपयोग नहीं कर रहा था। Binance मार्केट्स को Binance कंपनी द्वारा 2020 में अधिग्रहित किया गया था। हालांकि FCA के इस कदम से उसकी वेबसाइट Binance.com पर दी जाने वाली सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी में शामिल होने के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण FCA के कदम से क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र पर एक नियामक कार्रवाई का विस्तार होगा। आपको बता दें कि Binance कई क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA यूनाइटेड किंगडम में एक वित्तीय नियामक संस्था है।